राहुल और सुमन की प्रेम कहानी में कौन सा मोड़ आया? कहते हैं ये प्यार कहाँ किसी का पूरा होता है, इस प्यार का तो पहला अक्षर ही अधूरा होता है। ये प्यार भी ना बड़ी अजीब चीज है, ये जितनी आसानी से किसी को किसी से हो जाता है उतने ही मुश्किल होता है इसे निभाना। अब इस कहानी में राहुल और सुमन के प्यार को ही ले लीजिए। वर्षों से किसी प्राइवेट कंपनी में दोनों काम करते आ रहे थे। दोनों कलीग थे उस कंपनी के ऑफिस में, अलग अलग जगह से दोनों का एक ही बस में कंपनी में आना जाना भी होता था। हाय हेलो भी लगभग रोजाना हो ही जाते थे। दोनों का काम के सिलसिले में रोज एक दूसरे के आमने सामने हो जाना आम बात थी। प्यार की एक चिंगारी तक नजर नहीं आती थी। उन दोनों ने इससे पहले कभी एक दूसरे को इस नजरिए से नहीं देखा था। एक साल कंपनी को बहुत फायदा हुआ तो कंपनी ने उसी खुशी में एक पार्टी रखी जिसमें सभी स्टाफ को आमंत्रित किया गया। पार्टी के दौरान सभी एक दूसरे से बातें करने में मस्त थे। सभी ने दो चार लोगों का ग्रुप बना रखा था। सभी कुछ न कुछ खा पी रहे थे और बातें कर रहे थे। इसी बीच सुमन आइसक्रीम खा रही थी और अचानक उसके हाथ से आइसक्रीम फिसल गया और उसके कपड़ों को गंदा करते हुए गिर गया। तभी राहुल की नजर सुमन पर गई और वह बस औपचारिकतावश अपना रुमाल निकालकर सुमन को दे दिया ताकि वह कपड़े पर लगे आइसक्रीम को पोंछ सके। ठीक उसी पर राहुल द्वारा रुमाल देते हुए और सुमन द्वारा रुमाल लेते हुए जो उनकी नजरें टकराई कि दोनों के दिल के तार में जोरदार टंकार हुआ और फिर प्यार हो गया। फिर क्या था, दोनों ही एक दूसरे के लिए व्याकुल होने लगे। जब तक वे लोग एक दूसरे को देख नहीं लेते थे उन्हें चैन नहीं मिलता था। ऑफिस में काम करते हुए किसी न किसी बहाने दोनों एक दूसरे के निकट आने की फिराक में रहते। अब राहुल बस में सुमन के लिए बगल की सीट रिजर्व रखने लगा था। बस में चढ़ते हुए सुमन की निगाहें भी अब राहुल को ही ढूंढती और देखते ही उसके चेहरे पर चमक आ जाती। अपनी सहेलियों से नजरें बचाए किसी तरह वह राहुल के पास पहुंचकर बगल की सीट पर बैठ जाती, जहां एक तरफ राहुल सुमन के शरीर के कोमल और मुलायम स्पर्श को पाकर रोमांचित हो उठता, वहीं दूसरी तरफ सुमन राहुल के गठीले और सख्त शरीर का स्पर्श को अनुभव कर स्वयं को सुरक्षित महसूस करने लगी थी। किसी भी दिन अगर दोनों में से कोई भी ऑफिस नहीं आता तो दूसरे का दिन बहुत ही बोरिंग होता था और अगले ही दिन दोनों एक दूसरे की क्लास लेने लगते। तबीयत तो ठीक है, कल क्यों नहीं आए, क्या बहुत जरूरी काम था, जैसे कई सवाल वे एक दूसरे पर दाग दिया करते। छुट्टी के दिनों में जहाँ पहले दोनों का समय यूं ही घर में बेकार बैठकर बीत जाया करता था, वहीं अब वे एक दूसरे के साथ घर में कोई न कोई बहाना कर घूमने निकल जाया करते थे। धीरे धीरे दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। अब तो एक पल के लिए भी एक दूसरे से दूर जाना मुश्किल हो गया था। एक दिन सुमन बस में राहुल के पास बैठी तो जरूर, लेकिन उसके चेहरे पर रोज की तरह चमक नहीं थी और ना ही कोई खुशी थी। राहुल का दिन भर का समय किसी तरह गुजरा। राहुल कई बार काम के बहाने सुमन के करीब गया, लेकिन ना ही सुमन ने सिर उठाकर राहुल की तरफ देखा और ना ही राहुल खुलकर सुमन से कुछ पूछ ही पाया। लंच ब्रेक में राहुल ने बहुत मिन्नतें की तो सुमन की आंखों से आंसू छलक आए। राहुल ने फिर से अपना रुमाल सुमन की ओर आगे करते हुए उसकी आंखों में देखने लगा और सुमन अपने आंसू पोंछते हुए बोली, कल जब मैं ऑफिस से अपने घर पहुंची तो उस समय मेरे घर पर कुछ मेहमान आए हुए थे। वो मेहमान मेरे पिताजी के बचपन के दोस्त थे, मैं भी उन्हें जानती हूँ। जब मैं अपने गांव में रहा करती थी तभी हम एक दूसरे के पड़ोसी हुआ करते थे। बाद में हम लोग शहर आ गए, फिर करीब 20 साल बाद मैंने उनको देखा है। मैं उनसे मिली, बातें की, बाद में पता चला कि वो मुझे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। मेरे पिता भी इस रिश्ते के लिए मान गए हैं। जब उन्होंने मुझसे ये बात कही तो मैंने साफ मना कर दिया। अब मेरे घर का माहौल बहुत ही अशांत हो गया है, राहुल ने सुमन को सांत्वना देते हुए कहा। देखो तुम दिल छोटा मत करो, कुछ न कुछ जरूर हो जाएगा, मैं इस बारे में अपने पिता से बात करता हूँ। वैसे भी मैंने भी अभी तक अपने पिता से हमारे लिए बात नहीं की है, पता नहीं उनका क्या रिएक्शन होगा, वो भी आसानी से मेरी बात मानेंगे या नहीं। सुमन राहुल से बोली, प्लीज राहुल अपने पापा से बात करो और उन्हें किसी तरह मना लो और उनसे कहो कि वो मेरे पिता से भी बात कर उन्हें मना लें। कुछ भी करो राहुल, मैं अब तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। अगली सुबह सुमन जैसे ही बस में चढ़ी तो राहुल के सामने सवालों की झड़ी लगा दी। राहुल ने सुमन की व्यग्रता देख उसे सांत्वना देते हुए कहा, सुमन तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो, सब ठीक हो जाएगा, मेरे पापा मान गए हैं और कल ही वो तुम्हारे पापा से मिलने जाएंगे और हमारी शादी की बात करेंगे। बस फिर क्या था, सुमन ने राहुल को गले से लगा लिया। दिन भर सुमन किसी तरह ऑफिस के काम में लगी रही, लेकिन सारा दिन उसका ध्यान इस बात पर अटकी रही
कि पता नहीं कल राहुल के पिता उसके पिता से बात करने जाएंगे तो क्या होगा। ऑफिस से घर जाते भी सुमन ने राहुल से ढेर सारी बातें की और उसे अलग अलग तरीके बताए ताकि वही तरीके वो अपने पिता को बताए और उन तरीकों को आजमाकर उसके पिता को उन दोनों की शादी के लिए उन्हें राजी कर पाए। सुमन ने कहा, राहुल कल अपनी छुट्टी है, कल तुम्हारे पापा आएंगे तो मैं भी वहीं रहूंगी। अगली सुबह राहुल के पिता सुमन के पिता से मिलने आए और उनकी शादी की बातें की, लेकिन सुमन के पिता किसी भी हालत में उनकी शादी के लिए राजी नहीं हुए। इतना ही नहीं, सुमन के पिता राहुल के पिता का अपमान करने से भी बाज नहीं आए। उन्होंने साफ लहजे में कह दिया, देखिए भाई साहब, अपनी बेटी की शादी किसी भी हालत में दूसरी बिरादरी में नहीं कर सकता। मुझे अपनी बेटी की शादी अपनी ही बिरादरी में करनी है। अपने पिता के खिलाफ होते हुए भी सुमन अपने पिता का विरोध नहीं कर पाई। उनके जाने के बाद सुमन ने अपने पिता को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाई। अगली सुबह सुमन ने राहुल से साफ लहजे में कह दिया, देखो राहुल, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे। अब तो घर पर मेहमान भी आने लगे हैं, मेरे ददिहाल से मेरे दादा दादी चाचा चाची भी आ रहे हैं। लगता है वे लोग कल तक यहाँ पहुँच जाएंगे, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मेरे पास इस घर से दूर जाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बच जाएगा। एक बार दादाजी यहाँ आ गए तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। उनके आने के बाद मेरा घर से निकलना भी बंद हो जाएगा। मैं अपने दादाजी के आने के पहले ही इस घर से निकल जाऊंगी। अगर मेरे घर वालों ने जबरदस्ती की तो या तो मैं जान दे दूंगी या नहीं तो मैं घर से भागकर तुम्हारे घर आ जाऊंगी। इतना सुनते ही राहुल जोर जोर से हंसने लगा और सुमन को अपने गले से लगा लिया और बोला, तुम बस शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। सुमन ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम ना बस यही कहते रहो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इस बीच कोई और ही मुझे शादी करके लेकर चला जाएगा और सुहागरात भी मना लेगा। सुमन को चिढ़ते हुए देखकर राहुल उसकी खिंचाई करते हुए बोला, लेकिन तुम तो कह रही थी कि तुम किसी भी हालत में किसी दूसरे से शादी नहीं करोगी। इतना सुनते ही सुमन राहुल के सीने पर मुक्कों के प्रहार करती हुई उससे लिपट गई। तब राहुल ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि सुहाग रात में जब तुम दुल्हन के परिधान में घूंघट निकालकर बैठी रहोगी तो घूंघट उठाने मैं ही आऊंगा और फिर हम जिंदगी भर के लिए एक ही राह पर साथ चल पड़ेंगे। उसकी मीठी बातें सुनकर सुमन का मन थोड़ा शांत हुआ, लेकिन अगले ही दिन सुमन ने राहुल को फोन पर बताया, राहुल कुछ करो। शाम को ऑफिस से घर पहुंचते ही सुमन को पता चला कि कल के बजाय आज रात को ही उसके दादाजी पहुंचने वाले हैं। अब तो सुमन के पसीने छूटने लगे थे। वह फौरन अपने कमरे में गई और घर से निकलने के लिए सारे जरूरत के सामान पैक करने लगी और अपने किसी सहेली के यहाँ जाने का बहाना बनाकर घर से निकल गई। घर से निकलते ही सुमन ने राहुल को फोन लगाया, लेकिन दुर्भाग्यवश राहुल से कांटेक्ट नहीं हो पाया। फिर भी सुमन ने हिम्मत नहीं हारी और वह स्टेशन की ओर निकल गई। रास्ते में वह राहुल को फोन लगाती रही। बड़ी मुश्किल से सुमन की मेहनत सफल हुई और राहुल को फोन लग गया। सुमन ने फौरन सारी बात राहुल को बता दी। राहुल ने अब तक सुमन को हल्के में ले रखा था, लेकिन अचानक उसके द्वारा उठाए इस कदम से वह घबरा उठा। उसने सुमन को बताया, देखो सुमन, इस तरह अचानक घर से निकल जाना अच्छी बात नहीं है, तुम वापस अपने घर चली जाओ। मैं कल सुबह तुम्हारे घर आकर तुम्हारे दादाजी से बात करूंगा। रात का समय है, कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो हमारे पास सिवाय पछताने के और कोई चारा नहीं बचेगा। सुमन ने बड़े ही कड़े शब्दों में राहुल से कहा, देखो राहुल, अब समझने और समझाने का वक्त चला गया है। अब या तो मुझे लेने स्टेशन आ जाओ या फिर मैं नहीं जानती कि मैं क्या करूंगी। जब तक तुम नहीं आते मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। राहुल ने इतना सुनते ही फोन कट कर दिया। अचानक फोन के कटने से सुमन के मन में यह विचार आने लगा, जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने राहुल पर भरोसा कर कोई गलती कर बैठी हूँ। असल में लगता है उसे मुझसे प्यार था ही नहीं, उसने सिर्फ टाइम पास के लिए मुझसे सिर्फ प्यार का नाटक किया था। वह पिछले एक घंटे से अकेले स्टेशन पर बैठे बैठे अपने इसी उधेड़ बुन में लगी हुई थी। अब तो आते जाते लोग भी उसको घूरने लगे थे। अच्छे भले लोगों का घर के अंदर प्रवेश करने का वक्त भी हो चला था। अब वक्त हो चला था असामाजिक तत्व के बाहर निकलने का। अब तो कुछ असामाजिक तत्व उस पर अपनी गंदी निगाहें भी डालने लगे थे। कुछ ही देर में कुछ कदम उसकी ओर बढ़ने लगे। सुमन डर के मारे खुद में सिमटी जा रही थी। काफी निकट आकर सभी कदम एक साथ रुके और एक साथ कई जोरदार अट्टहास के साथ कई हाथ उसकी ओर बढ़ी। इसके पहले कि वो हाथ सुमन के शरीर को स्पर्श करती, एक जोरदार झटके के साथ वो सारे भयानक आकृति वाले लोग धराशायी हो गए और वहां से भाग खड़े हो गए। सुमन की आंखें खुली तो सामने राहुल था। राहुल ने सुमन को एक झटके में उठाकर एक जोरदार तमाचा लगाया और कहा, अगर मुझे आने में एक पल की भी देरी हो जाती तो तुम्हें अंदाजा भी है क्या हो जाता।
मैं तुम्हारे परिवार को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाता। इतना कहकर राहुल ने सुमन को अपनी बाइक पर बिठाया और वहां से चला गया। दूसरी तरफ सुमन के घर में सभी लोग उसके घर न लौटने से परेशान हो रहे थे। अब तक वो लोग भी सुमन का फोन ट्राई कर करके थक चुके थे। जब उनके इंतजार करने की सीमा खत्म हुई तो पुलिस कंप्लेंट करने के लिए घर से निकल पड़े। अभी उन्होंने घर से कदम बाहर रखा ही था कि राहुल सुमन को लेकर पहुंच गया। राहुल ने महसूस किया कि उसका वहां रुकना मुनासिब नहीं था। उसे अंदाजा हो गया था कि उसके रुकने से उसके पिता का गुस्सा वहां का माहौल खराब कर सकता था, इसलिए वह फौरन वहां से चला गया। सभी ने सुमन को घर के अंदर बुलाया और घर वालों ने उस पर सवालों की झड़ी लगा दी। सुमन ने सारी बातें घर वालों को बता दी। सुमन के पिता सारी बातें सुनकर हैरान रह गए। अभी घर के सभी लोग सुमन के उठाए गए कदम के सदमे से बाहर भी नहीं आए थे कि उन्हें खबर मिली कि जिस बस से सुमन के दादा दादी और चाचा चाची आ रहे थे उसका एक्सीडेंट हो गया था और अभी वे सारे हॉस्पिटल में भर्ती थे। सभी लोग एक साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गए। हॉस्पिटल पहुंचे तो देखा कि सभी लोगों को गंभीर चोटें आई थी। सुमन के पिता डॉक्टर से मिलकर सबका हाल जानना चाहते थे। तभी डॉक्टर भी वहां आ पहुंचे। डॉक्टर ने सभी का परिचय जानने के बाद बताया, असल में बस का एक्सीडेंट एक ऐसे सुनसान जगह पर हुआ था कि किसी को भी डॉक्टरी मदद मिलना मुश्किल था। अगर इन सभी की जान बची है तो उस इंसान के वजह से जो उस रास्ते से गुजर रहा था। उसने खुद कई लोगों को प्राथमिक उपचार दिया और अपने किसी मित्र को फोन कर एक ट्रैक्टर और कुछ लोगों का इंतजाम कर बहुत ही कम समय में सभी लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाकर सबकी जान बचाई। इन सभी में से सुमन के दादाजी की हालत बहुत नाजुक थी। उसी व्यक्ति ने अपना खून देकर उनकी जान बचाई है। इतना सुनते ही सुमन के पिता उस व्यक्ति से मिलने को व्याकुल हो उठे। उन्होंने डॉक्टर से उस व्यक्ति से मिलने का आग्रह किया। डॉक्टर ने उस व्यक्ति को बुलाया तो सुमन के पिता उसे देखकर दंग रह गए। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि राहुल था। सुमन के पिता ने राहुल को अपने गले से लगा लिया और अपने व्यवहार के लिए माफी भी मांगी। उन्होंने पास ही खड़ी सुमन का हाथ राहुल के हाथ में पकड़ाते हुए बोले, राहुल बेटा, मेरी बेटी सुमन के लिए तुमसे अच्छा जीवन साथी कोई और हो ही नहीं सकता। तुमने न सिर्फ मेरे परिवार की जान ही बचाई है बल्कि मेरी बेटी को गलत कदम उठाने से भी रोका है। मेरी बेटी आगे भविष्य में भी कुछ नादानी कर सकती है, तो उस गलती को करने से रोकने और उसकी सुरक्षा के लिए तुमसे बेहतर कोई भी नहीं हो सकता है। तभी राहुल के पिता भी वहां पहुंचे। उन्हें देखते ही सुमन के पिता अपना हाथ जोड़े बोले, ऊंचे खानदान और बिरादरी का दंभ भरने वाला मैं आज ये समझ गया हूँ कि इंसान की इंसानियत के सामने ऊंचा खानदान और ऊंची बिरादरी की कोई कीमत नहीं है। आज से मेरी बेटी आपकी हुई। अब तक मुझसे जो भी गलती हुई है उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। इतना सुनते ही राहुल के पिता ने सुमन के पिता को अपने गले से लगा लिया। राहुल सुमन के कानों में फुसफुसाते हुए बोला, देखा, सब ठीक हो गया ना। मैंने कहा था ना कि सुहाग रात में मैं ही आऊंगा। यह सुनकर सुमन के गाल शर्म के मारे सुर्ख गुलाबी हो उठे और उन दोनों की आंखों में भविष्य के सुनहरे सपने तैरने लगे। दोस्तों, जिंदगी में नेक दिली बनाए रखनी चाहिए। बदले में जिंदगी भी ऐसे लोगों को अपनी तमन्ना पूरी करने का मौका जरूर देती है।